हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में आज आप लोग को मैथ का हम समय दूरी प्लस ठीक है टाइम ड्यूरेशन जो निकालना रहता है इतने बजे चले और इतने बजे पहुंचे तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है निकालने में तो आज आप आपको हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा जैसे कि क्वेश्चन है आपका ठीक है क्वेश्चन है आठ बज के पंद्रह मिनट सुबह चले सुबह इट मीन्स ए एम को चला सुबह को एक व्यक्ति चला जो कि सात पंद्रह में सात पंद्रह शाम या पीएम में पहुंचा पहुंचता है तो कितना समय लगा तो इसको आप किस तरह से बनाइएगा ये क्वेश्चन आपको सीटेड इवेंट की कोई भी कंपटीशन में ये चीज़ आपको यूज होगा या जो टाइम का क्वेश्चन ठीक है मतलब थ्री फोर में पूछा जाता है या टेंथ में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो आप इसको वहाँ से सॉल्व कर सकते तो इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा सबसे पहले हम घड़ी बनाते हैं ट्वेंटी फोर आवर का ठीक है ट्वेल्व आवर की तो आपकी घड़ी होती है और ट्वेंटी फोर आवर की तो आप लोग ने ट्वेंटी फोर आवर की घड़ी देखे होंगे बड़े बड़े जक्शनों पे पहले क्या होता था ट्वेंटी फोर आवर का घड़ी लगा रहता था ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन एंड ट्वेल्व इसके बाद थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ठीक है यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग सेवेंटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है चलिए ये हो गया आपका टाइम ठीक है घड़ी इसको घड़ी मान लीजिए हम लोग ठीक है चल कब रहा है आठ पंद्रह सुबह कहाँ चल रहा है आठ पंद्रह सुबह में मतलब हम अभी फ़िलहाल इसको आठ बजे लेके चल रहे हैं ठीक है, है पहुँच कब रहा है सात पंद्रह तो जब इस तरह का हो कि पीछे में सात दिया हो तब क्या करेंगे क्योंकि हम तो तेरह चौदह पंद्रह घड़ी देख रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ठीक है तेरह को क्या हम एक लिख सकते हैं चौदह को दो पंद्रह को तीन सोलह को चार सत्रह को पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ठीक है और ये ऑटोमेटिक मेरा चौबीस क्या हो गया बारह फिर वन टू शुरू मतलब कहने का तात्पर्य एक बारह घंटे का घड़ी उधर एक बारह घंटे का घड़ी इधर तो पूरा दिन आपका क्या हो जाता है चेंज हो जाता है अब हम चल रहे हैं कहाँ से आठ पंद्रह सुबह से आठ पंद्रह सुबह से तो पंद्रह मिनट को बाद में गेसिंग करेंगे आठ बजे से हम लेना स्टार्ट किए और पहुँच रहा है सात पंद्रह शाम तो कहाँ है सात भाई देखते हैं यहाँ है सात। अब इसको काउंटिंग कीजिए काउंटिंग मतलब टोटल घंटा ठीक है कितना हुआ एक अब बोलिएगा कि नौ से क्यों काउंटिंग स्टार्ट किए आठ से क्यों नहीं किए तो जब आप घर से एक बजे निकले और किसी स्थान को दो बजे पहुँचते हैं तो क्या आपका दो घंटा होता है नहीं ना वो एक घंटा होता है इसलिए यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ एक घंटा हुआ इसलिए इसको काउंटिंग किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये अलेवन कितना घंटा हो गया ये अलेवन अलेवन आवर हो गया अब देखते हैं कि मसला क्या है आठ पंद्रह में चला तो आठ पंद्रह में कहीं ना कहीं आठ पंद्रह यहाँ होगा तो ये टाइम क्या हो गया ये टाइम हमने एक्स्ट्रा लिया तो जो चीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं तो यहाँ पंद्रह मिनट माइनस करेंगे अब क्वेश्चन एराइज़ होगा कि माइनस किस तरह से करें तो एक आवर बराबर कितना होता है सिक्सटी मिनट इससे जब एक उसमें देंगे तो क्या होगा ये ऑब्वियस है कि सिक्सटी हो जाएगा ठीक है तो अब इसको माइनस करेंगे ठीक है ये एक दे चुका है तो दस पैंतालीस ठीक है अब कितना आ रहा है दस पैंतालीस कहाँ तक आ रहा है तो सात बजे तक आ रहा है हमको पूछ क्या रहा है सात पंद्रह तो पंद्रह मिनट फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं कर देंगे ठीक है ये टोटल टोटल कितना हो गया दस घंटा सिक्सटी मिनट तो ऑबियस है कि क्या हो गया ये ग्यारह घंटा हो गया ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये आ रहा है कि साठ आया तो फिर ग्यारह हो गया ग्यारह ही घंटा वो इसलिए क्योंकि हमने क्या लिया आठ पंद्रह लिया और सात पंद्रह लिया तो जब भी आपका ठीक है इक्वेशन लास्ट वाला ये डिजिट सेम हो तो आप आंख बंद करके जितना घंटा आएगा उतना घंटा कर लीजिएगा लेकिन जब डिजिट चेंज होगा तो डिजिट थोड़ा चेंज करके आपको बताते हैं ये सपोज डैट चेंज हो गया मेरा ठीक है और ये आपको दस कर दिए ठीक है तो आठ दस हो गया अब क्या करेंगे सारा इक्वेशन मेरा ये सेम ही है ठीक है चला कितने बजे आठ दस में चला तो आठ दस में चला तो माइनस हम कितना करेंगे माइनस हम आठ ऑब्वियस दस करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि ये दस मिनट डाउन है तो दस किए ठीक है तो फिफ्टी और ये अलेवन तो सॉरी ये टेन टेन फिफ्टी ठीक है अब क्या हो रहा है अब पंद्रह मिनट सात बजे तक यहाँ आए और यहाँ से यहाँ पंद्रह मिनट थोड़ा ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे जोड़ देंगे ये दस क्या हो गया सिक्सटी फाइव हो गया तो एक इसमें आएगा तो कितना हो गया ग्यारह घंटा पाँच मिनट कितना टाइम लगा उसको ग्यारह घंटा पाँच मिनट अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको ठीक है यहाँ सुबह ना दिया हो मॉर्निंग ना दिया हो और यहाँ इवनिंग ना दिया हो शाम ना दिया हो दिया क्या है ए एम और पी एम तो क्वेश्चन जब मिलता है एएम एम तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होते हैं काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एएम एम पहले डालना है कि पीएम पहले डालना है तो सिंपल सा चीज़ एक चीज़ माइंड मेकअप कीजिए आपका ए पहले आता है कि पहले पी आता है अभ्यसे ए आता है तो जब ए पहले आ रहा है तो मेरा क्या हो गया एएम एम मॉर्निंग हो गया ए स्टार्टिंग का है तो क्या हो गया ए तो पहले है तो ए मॉर्निंग हो गया और लास्ट में चला गया पी ठीक है घर में भी देखे होंगे ठीक है जो बच्चा ठीक है पहले आता है उसका क्या होता है मान सम्मान ज़्यादा होता है ठीक तो है तो ए एम साहेब पहले आए हैं ठीक है तो मान सम्मान ज़्यादा है इनको क्या करेंगे हम आगे की ओर डालेंगे तो अभी तक जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए धन्यवाद